राज्यसभा चुनाव के नामांकन से प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन के बीच कांग्रेस खेमे में बहुत कुछ बदल गया है। 31 मई को कांग्रेस के तेवर अपने सहयोगियों के प्रति काफी तल्ख थे। पार्टी विधायकों ने जेएमएम और उसके नेतृत्व को लेकर तमाम तरह के बयान दिए थे, लेकिन अब गुस्सा झाग की तरह नीचे बैठ गया है। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी की जीत के बाद कांग्रेस जश्न के मूड में दिखी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय, मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत समेत पार्टी की तीन तीन महिला विधायक दीपिका पांडे सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह और अंबा प्रसाद खुशियों को साझा करती दिखी। विधानसभा परिसर के भीतर कांग्रेस नेताओं ने पूरी महफिल लूट ली। वहीं इस मौके पर जेएमएम से मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। फिलहाल सत्ता में कुछ भी हमेशा तक कायम नहीं रहता और महुआ मांझी इसका ताजा उदाहरण है। जिस महुआ पर कांग्रेस जेएमएम को लेकर बड़े बड़े बयान दे रही थी, वही अब उनकी जीत में सबसे अधिक उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। तमाम और खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। द आईटीपी न्यूज़।